पाकिस्तान में मसूद अजहर एक खूंखार आतंकी की हत्या की खबर अब सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर हमें मिल रही है, अज्ञात लोगों ने मसूद अजहर को बम से उड़ा दिया है। कंधार प्लेन हाईजेक का मास्टरमाइंड था मसूद अजहर और पाकिस्तान के भावलपुर से वापस लौटते समय उसकी हत्या की गई है। नाम है उसका 72 उम्र वाले का मसूद अजहर। बात हम करेंगे जी एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान जी बल्कि मौलाना मसूद अजहर की। जी हाँ, मौलाना मसूद अजहर जो कि इंडिया में भी वांटेड है और जिसके बारे में कहा जाता है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, पता नहीं मेरे मुझे अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है, मगर ये है कि कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। Should we be really really alarmed? ये ठीक है, कुछ बात हालात ठीक हो जाए, आपके मेरे ये व्यूअर्स के अलार्म होने से कुछ होगा नहीं। सर, ये मसूद अजहर बालाकोट की स्ट्राइक के बाद अब तक ना इसकी क्लिपिंग आई है ना इसका वीडियो आया। अनुमान ये है कि बालाकोट की जिस दिन स्ट्राइक हुई उसी दिन ये जल के खाक हो गया और इसकी राख वहां की मिट्टी में मिल गई, क्योंकि वहां तो कोई बचा ही नहीं ना, स्पाइस बॉम्ब यूज किए थे में भी बम धमाका हो जाता। तो अब 99% या तो पहले बम धमाके में मरा था जब हमने स्ट्राइक की थी, अगर कुछ कटा फटा बच भी गया होगा तो जो दूसरा धमाका हुआ उसमें ही मर गया। क्योंकि इस खत्ते में हमले शमले आपको पता है, उसकी जो टेरेन है इस तरह का है, अगर आपको याद हो कि एक इस तरह के बहुत सारे वाकयात हुए, डोंट वांट टू गिव कोड दोस पुलवामा एंड ऑल दैट, ठीक है जी। जो फौज के खिलाफ सारी कंपेन चलाई तो उसमें क्या हुआ, लोगों ने क्वेश्चन मार्क कर दिया, उन्होंने कहा जी ये तो फौज लड़ने वाली नहीं है, ये तो फौज लड़ेगी नहीं, ये तो लड़ ही नहीं सकती। अब मौका आ गया, मोदी ने 370-35 मेरे वो कर ले, तुम लड़ो ना देना कश्मीर, हमने ऐसे लेना है। अब हमने अपने अवाम की जेन साजी की हुई है। जय हिंद दोस्तों, खुखार आतंकवादी यूएन द्वारा भारत द्वारा घोषित मौलाना मसूद अजहर, जिसे भारत के जेल से प्लेन हाईजैक करके आतंकवादियों ने छुड़ाया था, कल उसे किसी अननोन मैन ने बम धमाके में चीथड़े पर खच्चे उड़ाते हुए जहन्नुम में भेज दी। दोस्तों, कल की शुरुआत बहुत जबरदस्त हुई, बताया जा रहा 5 बजे ही अपने मस्जिद से शाम को कहीं जा रहे थे और फिर अननोन मैम ने बम फेंका और इनके चीथड़े उड़ गए। दोस्तों, ये मसूद अजहर का एक डायलॉग था जो ये हमेशा बोलते रहते थे कि भारत की बर्बादी जारी रहेगी मरते दम तक। चीथड़े उड़ गए, जहन्नुम में पहुंच गए, भारत की बर्बादी करने का सपना और पाकिस्तान बर्बाद कर गए, क्योंकि इन्हीं की वजह से पाकिस्तान के लाखों युवा आतंकवाद को प्रेरित हुए और वही हुआ आज पाकिस्तान को एक बहुत ही गहरे दलदल में, नाली में, गंदे नाली में ढकेल ले। और मसूद अजहर ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया, इस पाकिस्तान में बर्बादी के पीछे मसूद अजहर का भी अच्छा खासा हाथ है। हाफिज सईद का जितना हाथ है उतना ही हाथ मसूद अजहर का भी है। चलो भाई, मसूद अजहर का तो नंबर लग गया, अब ले देके अगर दाऊद का कंफर्मेशन नहीं था उस बार तो दाऊद बचे हुए और मौलाना हाफिज सईद बचे हुए, तो कब कौन अननोन मैन किसे टपका दे इन दोनों में से, चाहे हाफिज को या चाहे दाऊद को, कुछ पता नहीं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिससे हम यहां से शुरुआत करना चाहते हैं, मसूद अजहर मारा गया है। जी हां, ये खबर इस वक्त आ रही है, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से उसकी पुष्टि नहीं की गई है, जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है इस एम्बैरेसमेंट से बचना चाहेगा। मसूद अजहर मारा गया है सूत्रों के मुताबिक और सुबह के 5 बजे बताया जा रहा है। अब ये नहीं पता कि ये खबर कहां तक सही है, लेकिन बहरहाल ये न्यूज एक सोशल मीडिया पे चल रही है, कई वेबसाइट्स ने ये न्यूज उठाई है और कहा ये जा रहा है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो मारा गया है, कि फौज हमने कश्मीर के लिए रखी हुई है, इंडिया से कश्मीर लेना है, ऐ करना है, वो करना है, तो देन वो फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, एंड देन व्हेन मिलिट्री कॉल्स फॉर डायलॉग, मिलिट्री डिप्लोमेसी की बातें होती हैं, ठीक है, कश्मीर भी हाथ से निकल गया और वो जो स्टेटस बदला, मैं ऑब्वियसली टेक्निकली तो ना इंडिया पाकिस्तान वाला कश्मीर का 1 इंच ले सकता है, ना पाकिस्तान इंडियन कश्मीर का 1 इंच ले सकता है, विच इज़ अ रियलिटी। सो रादर गेटिंग इन टू ऑल दिस, ये मैसिव फंड पैसा जो जा रहा है सिक्योरिटीज़ में, बैठ के बात करें और चीज़ों को रिजॉल्व करें एंड देन मूव ऑन करें, ठीक है। लेकिन हमने क्योंकि पिछले 70-75 साल से लोगों का दिमाग जेन साजी की हुई है कि यार ये जो कश्मीर है हमने फौज ने इसलिए रखी हुई है, तो वो जो फौज है आज वो पता चल रहा है कि भाई उसके लिए तो ठीक है, हमने इंडिया के लिए और कश्मीर के लिए फौज रखी हुई है, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि अब करना क्या है, ठीक है। सो हमें इस चीज़ की अब मार पड़ी, हम जो कश्मीरी बेचारे हमारे साथ हैं वो
उधर उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो यूनिवर्सिटियाँ नहीं है, वो कॉलेज नहीं है, सारा टाइम हम उनको एक ही चीज़ कर रहे हैं, इंडिया एनजे फलाना है, एनजे ऐसा वो करना है, वो करना है, सारा टाइम नेशनल टाइम वेस्टेज हो रही है। हम वो अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, हम फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते थे यार। अगर हमारे जस्ट इमेजिन इफ़ इंडिया इज़ नॉट पाकिस्तान्स एनिमी एंड इफ कश्मीर इज़ नॉट एन इशू, तो मसले को नहीं। सो हमने अपना सारा कुछ कश्मीर को दे दिया। जस्ट इमेजिन, जस्ट फॉर अ मोमेंट मैं एक 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 मिसाल दे रहा हूँ आपको, आप इस चीज़ को सोचें कि आपका इंडिया दुश्मन नहीं है और कश्मीर मसला कोई नहीं है, पाकिस्तान का क्या मसला था? कोई भी नहीं। हमसे एक ही गलती होनी थी ना, हमने अमेरिका के करीब जाना था, ना हमने डिफेंस अपना बढ़ाना था, ना बड़ी फौज होनी थी, ना स्ट्रेटिजिक एसिमेट्री होनी थी, ना स्ट्रेटिजिक ना फाइनेंशियल इकोनॉमिक एसिमेट्री होनी थी, ना हमने डरना था, ना हमने न्यूक्लियर वेपन बनाना था, ना हमने कुछ करना था, कुछ भी नहीं सी करना, ठीक है। दैट वुड हैव बीन गुड फॉर अस दैट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम इकोनॉमिक पाथ पर चले जाते, लोगों की इकोनॉमी बेहतर होती। आज 2023 में पता चल रहा है ना कि पैसे होने चाहिए ने कोल, जिसे कोल पैसे ने गेम दे दी। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, वैसे कंफर्म न्यूज़ आएगी भी नहीं अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से या किसी तरफ से इस बात को बताया जाएगा या ये खबर निकलेगी, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। हो सकता है हो जाए, होने का कुछ भी हो सकता है, चमत्कार भी होते ही आखिर, ऐसा नहीं है कि कुछ कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिर जाहिर है कि ये चीज़ भी जो है वो हो सकता है कि कंफर्म हो जाए किसी तरीके से, लेकिन फिलहाल ये एक अनकंफर्म न्यूज है। कई वेबसाइट्स जो हैं सोशल मीडिया पे, कई इंडियन वेबसाइट्स भी हैं और कई पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस खबर को उठाया है और उनका कहना ये है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान में मारा गया है। लेकिन ये खबर कहाँ तक सही है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। और जो लोग अभी इस खबर को लेकर बहुत दुखी हो रहे हैं और बहुत परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि जी ऐसे ही फेक न्यूज है और ऐसे ही न्यूज है, तो उनके लिए मैं ये कहती चलूं कि जो पहले न्यूज थी उसको भी अभी तक कोई फेक साबित नहीं कर सका। मरा ये भारत के सर्जिकल स्ट्राइक में ही है 99% या उसके बाद जो धमाका हुआ 199% तो वही मरा। अब ISI डिक्लेयर क्यों कर रहा, पैसे चाहिए, हिंदुओं पे नजर है और कहीं ना कहीं मोदी जी पे ये प्रेशर बनाओ मिडिल ईस्ट से, इधर उधर से आप नवाज शरीफ से बात करो। नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाने का मतलब है बात करो, दोस्ती करो, पैसे लाओ। वो कहते हैं ना एक हाथ में वो डॉलर और ड्रैगर डिप्लोमेसी, एक हाथ में डॉलर एक हाथ में ड्रैगर, सामने से हमें दोस्ती करनी है, हमसे दोस्ती कर लो हम सुधर गए हैं। सर कुत्ते की दुम कभी नहीं सुधरती, नहीं ये सुधरेंगे। और मैं जो आज आपको एक और चीज बता दूं, आज जयपुर डायलॉग के माध्यम से मैं मेजर साहब को अस्सलाम वालेकुम भेजना चाहता हूं। मेजर साहब अस्सलाम वालेकुम, ये पाकिस्तान में एक व्यक्ति है संजय सर, ये यूट्यूब चैनल चलाता, अब ये मत पूछिएगा मेल है फीमेल है मुझे नहीं पता, ये ISI का मेजर है, ये ISI का मेजर है, वर्किंग मेजर है और ये यूट्यूब चैनल चलाता। तो मेजर साहब को मैं अस्सलाम वालेकुम भेज दूं। मेजर साहब ऐसा नहीं कि हमें पहले नहीं पता था, हमें भी पता था, आप सोचते थे आप हमारे साथ खेल खेल रहे हैं, हम आपके साथ खेल खेल रहे हैं, तो इस खेल खेल के खेल में कौन किसके साथ खेल खेल गया, कभी अपने छोटे दिमाग पर जोर डाल के अध्ययन कर दीजिएगा। मतलब हमारा तो खैर हमने तो अध्ययन कर ही लिया। और आपको एक और इसके बारे में क्या एग्जाम्पल दे दूं, एक हिंट दे दूं, इस मेजर साहब के पास जो इसको पास से जानते हैं, इसके पास हमेशा ग्लॉक की पिस्टल कैरी करता अपने साथ, ग्लॉक की पिस्टल हमेशा रखता अपने साथ। तो मेजर साहब अस्सलाम वालेकुम, हम आपको पहले से जानते थे, आपके दाएं बाएं जितने लोग हैं उनको भी पहचानते थे, बट ये है कि ठीक है कुछ काम आप भी देश के लिए करते, कुछ काम हम भी देश के लिए करते, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो आप मुखोटा ओढ़ के बैठे हो ये इधर उधर का इधर उधर, हमें सब पता है, भारत को सब पता है, मतलब तुम्हारी मिस्ट्रेसें कितनी हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंडें कहाँ कहाँ हैं वो भी हमें पता है, और मिशन 7 क्या है ये भी हमें पता है, मिशन 7 तुम्हारा क्या था, मिशन 7 वाले को बता रहा हूँ भाई तेरा मिशन 7 हमें पता क्या है। तो इसीलिए और बाकी भी और चीजें, पर वक्त आने पर हम धीरे धीरे करके सब चीज बोलेंगे। पर हालांकि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पाकिस्तानी आर्मी का ही हाथ साफ साफ बताया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी खुद इस समय पैसे के लिए तड़प रही है, क्योंकि इनकी आर्मी दोस्तों लड़ाई कम अब पैसों पे ज्यादा ध्यान देती है। इनके जो जनरल्स हैं बड़े बड़े अरबों डॉलर्स के विदेशों में संपत्तियां खरीदते हैं, तो उसके लिए पैसे जरूरी है। इसलिए दोस्तों IMF से लोन पास करवाने के लिए बताया जा रहा है कि ISI यानी पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स ने ही मिलजुल के प्लान करके इसको टपकवा दिया, और ताकि अंतर्राष्ट्रीय भी एक छवि बन जाए कि पाकिस्तान से जो आतंकवादी लोग हैं वो टपकाए जा रहे हैं। और मुझे यह भी लग रहा है कि अब ISI ही किसी दिन मौलाना हाफिज सईद को भी 72 यूरो के पास भेजने का पूरा प्लान बना लेगी
और फिर कह देगी कि किसी अननोन गनमैन ने टपकाया। खैर जो भी है, भारत के वांटेड दुश्मन एक एक करके ढेर हो रहे हैं, चाहे वो अननोन गनमैन कर रहे हो चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी कर रहे हो, खुशी की बात है। नए साल पे अगर पाकिस्तानी आर्मी ने किया है तो अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी का ये दोगला चरित्र देखो आप लोग, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ाए जा रहे हैं, कश्मीर की तरफ आतंकवादियों को चुपके चुपके भेजते हैं। हाँ, बात दूसरी है कि भारतीय सेना उन्हें कुत्तों की मौत मारती है, लेकिन ये अगर आप लोग सोच लो कि आतंकवादियों को साफ करके ये चाह रहे हैं कि हम आतंक फ्री देश हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। पाकिस्तानी आर्मी ऐसे आतंकवादियों को टपका रही है जो उनके मुंह पर कलंक लग चुके हैं, जो यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित है वो पाकिस्तान में रहते हैं, ऐसे लोगों को पाकिस्तानी आर्मी टपका रही है। आप ये मत सोच लेना कि पाकिस्तानी आर्मी अच्छी हो गई है, आतंकवादियों को टपका रही है, ये बिल्कुल है ही नहीं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आप लोग देख लो, जम्मू कश्मीर में ये थोक के भाव में टेररिस्ट भेज रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करवा करवा के, वो तो हमारी भारतीय सेना उनको ठोक दे रही है ऑन द स्पॉट, तो वो बात अलग है, ठीक है। पाकिस्तानी आर्मी का ये दोगला चरित्र है, लोन के लिए पैसों के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।